माय फ्रेंड दिस यू राजकुरी फ्रॉम महाराष्ट्र मुंबई सिटी। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं हूँ राजकुरी आरपी ड्रीम म्यूजिक से। आज मैं बात करने वाला इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बारे में। जैसे कि सभी लोग आप लोग जानते हो कि चाइना ने पूरा दुनिया को कोरोना दिया है, और चाइना का विस्तारवादी का बात बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप सब लोगों को। इनफैक्ट इंटर ऑल ओवर वर्ल्ड को मैं जागरूक करना चाहता हूँ। चाइना एक भारत नीति का हिसाब से काम कर रहा है। जैसा छोटा छोटा देश को पूरा लोन देता है, पैसा देता है, उसके बाद एक दिन ऐसा आता उनका देश को आरोप लेता है। आप सभी लोग जानता है, अगर आप ही आप लोग कुछ नहीं कर सकेगा, आने वाला समय में आप लोग को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए चाइना का प्रोडक्ट को तो आप लोग बहिष्कार कीजिए। मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ, चाइना को बहुत जल्दी काउंट डाउन करना चाहिए। ऐसा ना हो, एक दिन ऐसा हो आप सब देश में भारी पड़ जाए चाइना, क्योंकि चाइना अभी ऐसा हो गया है जैसा कि हांगकांग, ताइवान, पाकिस्तान, बहुत सारे ऐसा देश है। मैं किसका किसका नाम लूँ कि सब लोगों को परेशान करके रखा। सी पैक से लेके चाइना सी में, समुन्द्र में, हर एक क्षेत्र में अपना बेस कैंप बना रहा है, सब लोग जानता है। तो वो दिन दूर नहीं है, सब देश लोगों को बहुत परेशान करने वाला। इसलिए मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। चाइना को आप सब लोग मिल के ख़त्म करना चाहिए। चाइना अगर ख़त्म नहीं होगा तो ये देश आगे नहीं बढ़ेगा, कि चाइना मात्र ऐसा देश है बिस्तरबाजी दुनिया में अपना हक जमाना चाहता है, कि दुनिया इसका है ही नहीं है। पूरा दुनिया जानता है कि हर एक इंसान को जीने का अपना हक है, लेकिन चाइना ऐसा होने नहीं देना चाहता है। जैसा कि इंडिया का ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो इंडिया का हिस्सा है, पूरा दुनिया जानता है। जैसा गिलगित वो भी इंडिया का हिस्सा है, एक ना एक दिन वो इंडिया में आएगा, वो पाकिस्तान को भी मालूम है। लेकिन पाकिस्तान तो ऑलरेडी बिका हुआ है चाइना का बलबत्तों में, वो नाच रहा है, उछल रहा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है, पाकिस्तान आधा ख़त्म हो जाएगा। जैसा पाकिस्तान से बांग्लादेश आज़ाद हुआ, वो दिन भी दूर नहीं है जो कश्मीर भी आज़ाद हो जाएगा, वो क्योंकि वो हमारा हिस्सा है, इंडिया का हिस्सा है, कोई पाकिस्तान का नहीं है ना चाइना का नहीं है, पूरा इंटरनेशनल वर्ल्ड भी मालूम है। इसलिए इंटरनेशनल वर्ल्ड भी कुछ नहीं कहता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग सब लोग एकजुट होके चाइना का खिलाफ लड़िएगा। दूसरा चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को, चाइना इस तक आगे बढ़ चुका है, पूरा दुनिया में अपना बेस कैंप बना रहा। आप लोग क्या कर रहे हैं, पूरा दुनिया को कहना चाहता हूँ। मैं तो कहूँगा आप लोग सो रहते हैं, इसीलिए चाइना इस तक बिस्तरबाजी का सोच अपना रहा है। आप लोग स्टेप कभी नहीं लिया, लेकिन अभी ये समय आ गया कि सब देश मिल के एक साथ स्टेप लीजिए चाइना का खिलाफ। चाइना को ख़त्म करना ही सबका लिए भलाई है, ना तो चाइना एक दिन इस दुनिया को खा जाएगा और आप लोग अपना पर्सनल लाइफ भी खो देगा। दूसरा चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा पाकिस्तान सोच रहा है कि गिलगित ऑक्यूपाइड कश्मीर चाइना का दम पे वो बचा लेगा और कभी ज़िंदगी में नहीं होने वाला, ये ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया का हिस्सा है और रहेगा, गिलगित भी वो भी रहेगा, वो दिन दूर नहीं है, पाकिस्तान का बहुत सारा टुकड़ा होने वाला। जैसा बलूचिस्तान वो भी एक आज़ाद देश है, पाकिस्तान ने धोखे से अपना सैनिक का बलबूते में जो कब्जा करके रखा है। मेरा ये कहना है, जैसा कि आप लोग मोबाइल फ़ोन बहुत सारा टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, टीवी से लेके सब कुछ आप लोग चाइना का प्रोडक्ट खरीदता है, मैं तो कहता हूँ ये सब बंद कर दीजिए। और सब बंद करने से चाइना का आर्थिक जो इकोनॉमिक ऑटोमेटिकली गिर जाएगा, चाइना को पैसा नहीं मिलेगा, चाइना और आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे ही चाइना आगे बढ़ चुका, आप लोग अगर ऐसे नहीं बंद करते तो आप लोग का बेवकूफ़ी होगा, मतलब बढ़ावा देने के लिए पूरा देश का भी जिम्मेदारी है, मैं कहूँगा ऐसा, क्योंकि आप लोग का वजह से चाइना आज इतना ऊपर है, और गिराना भी आप लोग का काम है। आप लोग अभी नहीं गिराएगा तो वो दिन दूर नहीं है जो आप सब लोगों को गिराने वाला चाइना, ये मेरा बात याद रखिए। मैं हूँ राजकुरी, जो मैं आज बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ न्यूज़, मुझे अंदर से बहुत दुख होता है कि ये सब देख के, जैसा आज समुंदर से लेके हर एक जगह से लेके सब देश को धमकाता है, फाइटर प्लेन भेजता है, छोटा सा एक ताइवान है उसको ऊपर भी फाइटर प्लेन उड़ाता है, हांगकांग
उसको भी वो लोग ने कब्जा कर रखा। मेरा ये कहना है सब देश से, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिर अमेरिका, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन लोगों को बोलूँगा आप लोग अपना राजनीति छोड़िए। सब देशों को बोलूँगा कि राजनीति तो आप लोग करते ही हैं, लेकिन राजनीति बाद में, देश पहले। उससे पहले आप लोग को उनको ख़त्म करना पड़ेगा। नहीं ख़त्म करेगा तो आपका देश ही नहीं रहेगा, आप किसके लिए राजनीति करेगा। देश है तो राजनीति है, देश नहीं तो कोई राजनीति नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोगों से कि आप लोग बहुत जल्दी, जैसे चाइना है, चाइना चाइना नहीं है, चाइना का साथी दिमाग आप लोग नहीं पहचान पा रहे हो, लेकिन हम लोग देखते पीरा होते वीडियो में कितना बताओ आप लोगों को। दूसरा चीज, चाइना जैसा कि मुस्लिम लोगों को, बेगैर मुसलमान को मार रहा, नमस नहीं पढ़ने दे रहा है, ना ईद बनाने देता, कैंप पे रखा हुआ आप लोग को। ये लोग आप लोग क्या, सब मुस्लिम देश लोगों को बोलना चाहता, आप लोग क्या आँखें बंद करके रखा, आप लोग को क्या दिखाई नहीं दे रहे चाइना जो मुसलमान लोगों को मार रहा है, क्या इंसान नहीं है? मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मेरे को फिर भी दुख है, इंसान है वो, हिंदू और मुस्लिम का बात नहीं है, सब हम इंसान है, इंसान का जैसा रहना चाहता है। लेकिन चाइना में किसी को आज़ादी नहीं है रहने का, मुसलमान को तो ऐसा मार रहा है, मैं देख के मेरा आँखें नम हो जाता, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं एक छोटा सा इंसान हूँ। लेकिन मैं वीडियो का जरिए सब मुस्लिम देश लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जितना जल्दी हो सके आपका आप लोग उनको ऊपर दबाव डालना शुरू कीजिए। ना तो आप देखिए ना, हमारा देश में भी हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम लोग सब मिल कर रहते हैं, हमारा देश में हर एक धर्म का है। हमको भी ये नहीं सोचता कि मुस्लिम है या हिंदू है या फिर सिख है या ईसाई है, हम सोचते हैं कि हम इंसान हैं। आज मुझे दुख हुआ, पीरा हुआ, इसलिए मैं सारा दुनिया का मुस्लिम देश लोगों से कहता हूँ कि आप लोग ये बात के लिए सोचिए या आप लोग के लिए भला है, क्योंकि मुझे देख के बहुत दुख होता। छोटा छोटा बच्चा जो दुनिया देखा नहीं, चाइना ने मार मार के ख़त्म कर रहा है, मुझे इतना रोना आता है कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत कुछ है कहने के लिए। लेकिन आप लोग को यही वीडियो का जरिए से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि सब मुस्लिम देशों से आप चाइना के ऊपर जितना जल्दी हो सके दबाव बनाइए। तब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, फिर चाइना के खिलाफ ही मैं कुछ बोलूँगा क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है। थैंक यू सो मच।